रात में चार हमारे साथ अब आप साझा करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग से आज हुनर हाट कार्यक्रम में जो रामपुर में हो रहा है, हम लोग के वरिष्ठ नेता मंत्री जिसके विभाग केंद्र विभाग है उसको मैं इस राज्य में भी देख रहा हूँ। वैसे हम लोग के आदरणीय नितिन गडकरी जी जिनसे मैंने बहुत मार्गदर्शन लिया है, मीडिया के अंदर एक तरह से मेरे को उंगली पकड़ के किसी ने सिखाया, वैसे हमारे मंत्री और बड़े भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी, हम लोगों के बीच में अध्यक्ष खाली ग्राम उद्योग श्री वीके सक्सेना जी, मित्र और सहयोगी मंत्री बलदेव सिंह भवर जी, साथ ही साथ सचिव अल्पसंख्यक दास साहब और एस के दीप मिथुन जी, यहाँ पर उपस्थित रामपुर के सभी अधिकारीगण, भाइयों बहनों और मीडिया के अन्य मित्रगण, मैं बात ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर ये एक जो प्रधानमंत्री जी का सपना वोकल फॉर लोकल जो है वो आज कहीं साकार होता हुआ दिख रहा है, तो रामपुर के अंदर वो साकार होता हुआ दिख रहा है। शिल्पकार और दस्तकार जो है उनको सही मायने में कहीं मार्केट कोई उपलब्ध करवा सकता है तो हुनर हाट के जो कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में वो उसका एक सुंदर उदाहरण है। मैं एमपी जी से पूछ रहा था कि ये कार्यक्रम जो चलता है कितना न्यूनतम सेल हो जाती है इन शिल्पकारों की, तो बता रहे थे कि 35 से 40 करोड़ की सेल हो जाती है। और आप मानिए कितने कार्यक्रम हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही, 10 जगह हो चुके हैं, तो 500-600 करोड़ की इसमें आमदनी हुई है। साथ ही साथ ये नकवी जी से भी प्रेरणा लेते हुए और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना करी जिसको एमएसएमई विभाग हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं, एक जनपद एक उत्पाद, और उसमें जो केंद्र सहायता हमें मिल रही है विशेष रूप से जिस प्रकार से सहायता के साथ प्रेरणा देते हैं गडकरी जी, उससे हम लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो निर्यात है वो 35% बढ़ा है। आप सोचिए 35% जब निर्यात बढ़ा है, आज उत्तर प्रदेश 1,30,000 करोड़ रुपए है जो 40 से 45,000 करोड़ का एक साल के अंदर जो निर्यात बढ़ा है वो खाली ओडीओपी के माध्यम से बढ़ा है जिसको आप हुनर हाट भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है और आज जो खादी विभाग है वो भी मेरे पास है, सक्सेना साहब बैठे हुए हैं यहीं पर, आज ही सुबह क्योंकि अपने जो नेता है हमसे वरिष्ठ नेता है चाहे नकवी जी हो गडकरी जी हो, हमेशा उन लोगों ने प्रेरणा दी है कि कोई समय व्यर्थ ना जाए, आज सुबह ही अपनी टीम के साथ बैठकर यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग के तहत हम लोगों का हनी मिशन भी चलता है जो केंद्र से संचालित चलता है। और सर आपको खुशी होगी आप नागपुर में बैठे हैं, हम लोगों ने मैंने आज 5.5 करोड़ का स्फूर्ति के अंदर हनी मिशन के तहत हमने एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो आपके पास अब आने वाला है, जिसको आपका अनुमोदन देंगे तो यहाँ पे हनी मिशन का काम रामपुर में शुरू हो जाएगा। और ये हनी मिशन छोटा नहीं रहेगा, ये हनी मिशन के अंदर लीची का स्वाद, फिर एक्यूप्रस का स्वाद, ये सब चीज रहेगी और वो नहीं रहेगा जो चाइना से सिर्फ डाला जाता है, ये प्योर हनी बनेगी। इसके बी जो बी होता है उसके वैक्स से जो मोमबत्तियां बनती हैं, अन्य चीजें जो बनती हैं, वो सब इसके अंदर रहेगा।
तो ये एक बड़ी चीज जो है रामपुर के अंदर आज ही मैंने फाइनलाइज किया है और खुशी है कि मुझे ये मौका मिला। साथ ही साथ हम लोगों ने खादी के अंदर उत्तर प्रदेश की खादी कैसे विश्व भर में जानी जाए, देश भर में जानी जाए, सर हम लोगों ने अभी पीछे कोरोना काल के अंदर कुछ बॉम्बे के कुछ दिल्ली के बड़े जो फैशन डिजाइनर्स हैं, जिस प्रकार से ऋतु बले हैं, मनीष मल्होत्रा है, रीना राका, इन लोगों के साथ एक बातचीत करी, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बताए कि खादी का हम लोग कहां कहां कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग के ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे जरी जरदोशी, इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और उन लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट का एम्बेसडर्स बनाया है, जैसे खादी के ऊपर जरी का काम हो सके उसके बारे में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी शुरू करी है और उसके अंदर ये फैशन डिजाइनर्स करते हुए आने वाले समय में जब लहंगा कोई शादी में खरीदे जाएगा तो वो खादी के ऊपर बना हुआ लहंगा होगा, नहीं किसी और चीज के ऊपर होगा। तो ये जो वोकल फॉर लोकल है जिसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिलती है और जिसका शुरुआत मैं सही मायने में कहूं तो आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने करा और किस प्रकार से ये मेला लगना चाहिए उसकी भी प्रेरणा मुझे आज मिल रही है और लखनऊ में 22 जुलाई को हम लोग अपने शिल्प भवन में इस प्रकार का आयोजन करेंगे। मैं फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कितना शानदार कार्यक्रम हुआ और गलती में कर गया था 22 जनवरी 2021 को लखनऊ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और गडकरी जी से ने मुझे एक और चीज कही है पिछले हफ्ते, सर उस पर मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है, जो आपने कहा मैं शुगर से इथेनॉल बनाए वो भी हम प्रोजेक्ट आपके पास लेके बहुत जल्दी आने वाला हूँ इथेनॉल, क्योंकि ये बेल्ट पूरी की पूरी शुगर केन की बेल्ट है, वो भी हम लोग उसके प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।